तो हेलो गाइज, मेरा नाम अजमल। आज हम बात करने वाले हैं i20 मैग्ना के बारे में। ये है मेरे पास पेट्रोल में। मैं इसको जो है पिछले 3 महीने से ड्राइव कर रहा हूँ और आज मैं शेयर करने वाला हूँ इसका ड्राइविंग इंप्रेशन। इससे पहले मैंने इसकी डिटेल वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड किया है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो मैं आज इसके ड्राइविंग इंप्रेशन के बारे में बात करूंगा। एक्चुअली मैं इसको ड्राइव किया हूँ, 6,500 किलोमीटर के आसपास ड्राइव कर चुका हूँ। तो मैंने अब तक क्या इसमें रियलाइज किया, क्या चीजें अच्छी है, क्या चीजें बुरी है, हम इसके बारे में बात करेंगे। मेनली मेरा फोकस है आज ये चलने में कैसी है, ये इंजन अच्छा पावर डिलीवर करता है या अंडर पावर्ड इंजन है। तो गाइज, मैं इस गाड़ी को पिछले 3 महीने से चला रहा हूँ और मैं अभी इसके ड्राइविंग इंप्रेशन में मुझे अब तक क्या जानकारी मिल पाई, कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा मेरा, मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। अभी पहले गियर से शिफ्ट हुआ, अभी लोड नहीं गाड़ी में, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गाड़ी देती है। ऐसा लगता है कि हाँ, पंच अच्छा है। जिस हिसाब से पेट्रोल इंजन है, थोड़ा सा डिले होता है, बाकी गाड़ियों का इतना अच्छा पंच नहीं मिल पाता है। लेकिन i20 का जो स्टार्टिंग में, जैसे मान लीजिए बहुत लोड नहीं है या आप अकेले चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको बहुत फन टू ड्राइव वाली है। बाकी फर्स्ट गियर में इतना बढ़िया पिकअप है कि आप पहाड़ वगैरह में जाने में आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने अभी जो है कई गाड़ियां हाल ही में पेट्रोल इंजन चलाया है, तो फर्स्ट गियर में उतना ज्यादा पंची नहीं, उतना पिकअप नहीं मिल पाता जितना पिकअप इस गाड़ी में मिल पाता है। तो बाकी पेट्रोल इंजन के हिसाब से ये इंजन काफी रिफाइंड है। आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप गाड़ी में बैठे रहेंगे, गाड़ी चालू रहेगी, ऐसा लगेगा कि गाड़ी बंद है, इतना ज्यादा रिफाइंड इंजन दे रही होंडी। थोड़े जब 2000 RPM हो जाता है तब गाड़ी बहुत तेज वो पावर जनरेट करती है, लेकिन जब तक 2000 RPM नहीं पहुंच पाता है तब तक गाड़ी उतना बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं करती जितना रिस्पॉन्स करना चाहिए डीजल इंजन के हिसाब से। जो डीजल इंजन होगा आपका वो रिस्पॉन्स तेजी से करेगा, लेकिन ये देखिए जैसे कि मैं अभी 70-80 की स्पीड में था तो है, ब्रेकिंग अच्छी है। अभी टाटा पंच भी आई है, टाटा पंच के हिसाब से इसकी ब्रेकिंग ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसकी ग्रिप बनती हुई आपको महसूस होती है कि नहीं, ग्रिप अच्छी पकड़ रही है और कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन ये कि थोड़ा सा अगर हायर RPM पे जब आप स्पीड ज्यादा करके चलाते हैं गाड़ी को, तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लूज सा होता नजर आएगा जब आप ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि फिर बॉडी जो है इस गाड़ी थोड़ा सा इम्बेलेंस होती है, गाड़ी थोड़ा सा लगता है कि जो है इधर उधर और बॉडी रोल कर रही है गाड़ी, जब आप अचानक से इंस्टेंट जो है ब्रेक लगाते हैं 120 के आसपास, या कोई बम्प वगैरह आ जाता है तो बहुत तेज गाड़ी जो है लहराती है, तो ये चीज है। लेकिन ओवरऑल बात करेंगे गाड़ी की, तो सही है, गाड़ी लेने लायक है। लेकिन अब इस टाइम पे तो अगर इस गाड़ी की तरफ जाएंगे तो मेरे ख्याल से उतना अच्छा नहीं, आप पंच की तरफ जाइए, वो SUV मिल जाएगी आपको, थोड़ा बहुत पावर के हिसाब से पावर तो की कमी महसूस होगी उसमें आपको, लेकिन ये कि इतना ज्यादा नहीं लगेगा कि जो है बहुत कम पावर, क्योंकि जिस हिसाब से अभी इंडिया के सड़कों पे SUV की नीड है तो वो चीज है। और बाकी जिसको हैचबैक लेना है तो वो फिर इस गाड़ी की तरफ जा सकता है और इसका डीजल इंजन प्रीफर करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पेट्रोल में ये गाड़ी उतना अच्छा जो है पंची नहीं है, पेट्रोल में अगर लेना है तो फिर आप टर्बो इंजन लीजिए, वो अभी फिलहाल एवरेज जो मिल रहा है मुझे वो मान के चलिए 10-11 के आसपास, 12 के आसपास मिल जाता सिटी में। बाकी मैं अगर हाईवे पे चलता हूँ और 80-90 की स्पीड पे चलता हूँ तो उसमें मुझे मान के चलिए जो है मिल जाता है नियर अबाउट 16-17-18 के आसपास तक का मिल जाता है। अगर 80 पे चलूं तो मैं मुझे 10-15 किलोमीटर चलने के बाद तक मेरी गाड़ी का एवरेज मान के चलिए 19 के आसपास पहुंच जाता है। तो यह कि फ्यूल एफिशिएंसी आपके ड्राइविंग पे डिपेंड करता है, वो चीज ऐसा नहीं है कि कंपनी ने बोल दिया तो उतना देगी, अगर आप रफ ड्राइविंग करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा माइलेज नहीं मिलने वाला। और बाकी जब गाड़ी में थोड़ा लोड करते हैं आप, 2-4 लोग बैठते हैं तो गाड़ी थोड़ा सा स्ट्रगल, पहले गियर पे तो आपको नहीं महसूस होगा स्ट्रगल, लेकिन सेकंड थर्ड गियर पे जब आप लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि गाड़ी स्ट्रगल कर रही है, लगेगा कि आपने एक्सेलरेट तो कर दिया है लेकिन रिस्पांस गाड़ी नहीं कर रही है उतना अच्छे से जितना आप सिंगल पैसेंजर के साथ ड्राइव करके आपको मजा मिला। जैसे मान लीजिए अभी मैं हूँ और ये भाई हमारा दुर्गेश है, हम लोग 2 लोग हैं, तो गाड़ी बहुत ही फ्रीली और बहुत तेज उड़ रही है, मतलब जो पंच है मुझे इंस्टेंट मिल रहा है। और बाकी जब 3-4 लोग बैठ जाते हैं तो गाड़ी थोड़ा सा दबी सी हो जाती है, दब जाती है और स्लो रिस्पॉन्स करती है। और हैंडलिंग की अगर बात करें तो हैंडलिंग का इंस्टेंट रिस्पॉन्स है, जिस तरफ भी आप हैंडल को टर्न करेंगे उस तरफ आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये चीज है भाई कि हुंडई वाले जो है प्रीमियमनेस को नहीं छूते। बाकी इसका ब्लैक वाला जो इंटीरियर, ब्लैक सिर्फ टोटली ब्लैक इंटीरियर जो ये दे रही गाड़ी में, ये भी बहुत शानदार लगता है। मतलब ये कि आपको छोटी सी गाड़ी है लेकिन आपको प्रीमियमनेस में कहीं से कमी नहीं छोड़ेंगे। स्टीयरिंग इतनी ज्यादा जो है अच्छी है कि जब भी आप बैठेंगे तब भी आपको एक नया सा फील होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने इससे पहले बहुत ज्यादा यूज किया इस गाड़ी को। तो ये स्टीयरिंग वगैरह इतना ज्यादा जो है माइंड में सेट हो गई है गाड़ी देखने में कि आप जब भी इसमें बैठते हैं तो ये बहुत ही
शानदार लगता है, बहुत बढ़िया व्यू देता है। तो बाकी विजिबिलिटी आईआरवीएम की विजिबिलिटी देखें तो विजिबिलिटी भी काफी अच्छी है, बस थोड़ा सा इसका जो है ये आपका ओआरवीएम जो है इसके विंग थोड़े से निकले हुए हैं, क्योंकि एक्चुअली में इस गाड़ी को थोड़ा सा कंपनी स्पोर्टी बनाने के चक्कर में इसके विंग को थोड़ा बाहर कर दिए, तो आप सिटी में कभी कभी चलाने में आपके आपके जो है ओआरवीएम अगल बगल टकराते रहते हैं, तो ये थोड़ा सा इशू है इस गाड़ी का। लेकिन ये कि बाहर से देखने में गाड़ी बहुत शानदार लगती है, व्यू बहुत अच्छा आता है गाड़ी का देखने में, तो इस चीज में कहीं ना कहीं कहीं अगर कुछ अच्छा भी लगता है तो उसका डिमेरिट्स भी होती है, तो ये चीज है। बाकी चलने में गाड़ी एक दो लोगों के साथ अगर चला रहे गाड़ी तो बढ़िया रिस्पांस मिलेगा, लेकिन जब आप लोड करते हैं इंजन पे तो इंजन उतना बढ़िया इंस्टेंट रिस्पांस नहीं कर पाता जितना बढ़िया रिस्पांस आपको डीजल में मिल जाएगा, तो डीजल आपको थोड़ा सा पंची होती है गाड़ी डीजल। बाकी पेट्रोल तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पेट्रोल ले रहे हैं तो आप जो है उतना जो है पंच आपको मिलने वाला नहीं इंस्टेंटली जो आपको डीजल में मिलता है, या तो फिर आप इसका टर्बो इंजन लीजिए तो टर्बो में आपको जो है मिलेगा आपको इंस्टेंट पंच मिलेगा आपको, लेकिन ये अभी अगर आप परचेज करने जाएंगे तो 7-8 लाख के आसपास इसका बेस मॉडल मिलेगा, तो जिस जितने में आप निसान की मैग्नाइट ले सकते हैं या आप आपका रेनॉल्ट की काइगर ले सकते हैं, बाकी आप टाटा की पंच भी ले सकते हैं, तो अभी फिलहाल इस टाइम पे तो ये गाड़ी का प्रेफरेंस करना चूज करना उतना बेस्ट नहीं रहेगा। जब मैंने लिया था तो टाटा की पंच वगैरह नहीं आई थी, हाँ निसान की काइगर और मैग्नाइट आ चुकी थी, लेकिन वेटिंग इतनी ज्यादा थी कि मैं उसकी तरफ दिमाग ही नहीं लगा पाया, क्योंकि इतना वेट मुझे करना नहीं था गाड़ी के लिए, मुझे गाड़ी इंस्टेंट चाहिए थी इसलिए मैंने इस गाड़ी को ले लिया था, अदरवाइज मैं इस गाड़ी को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ये कॉस्ट भी इसका ज्यादा पड़ता है और वो चीज नहीं मिल पाती है जो इंडियन लोगों की डिमांड है, क्योंकि इंडिया अभी चाहता है कि एसयूवी उसको उसके पास रहे, क्योंकि इंडियन सड़कें हैं, हम लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, कभी रूरल में भी जाना पड़ जाता है तो गड्ढे उड्ढे वेयर नहीं कर पाती है ये छोटी गाड़ियां, लड़ना नीचे बॉडी टच होना ये सब चीजें चलती है, तो ये दिक्कत रहती है अपने को। बाकी ओवरऑल अगर बात करें जो है इंजन और गाड़ी की तो गाड़ी सही है, बस इसका प्राइस थोड़ा सा अगर नीचे होता 50,000 कम होता तो वो ज्यादा अच्छा रहता, बस ये चीज है प्राइस उनके हिसाब से ये गाड़ी जो है थोड़ा सा ओवर प्राइस हो जाती है, अगर ये 50,000 और कम होती तो ज्यादा अच्छा रहता, मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा ऑप्शन भी होता लोगों के लिए। गाइज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ मेरे से छूट गया हो तो भाई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा जरूर, और मुझसे कोई कमियां रह जा रही वीडियोस में बनाने में या कुछ छूट जा रहा है तो भाई मुझे जरूर पॉइंट आउट करिएगा, मैं उसको जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।